हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, फाइंड आउट द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 एज फॉलोज। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज इरेशनल एंड 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज रेशनल। क्वेश्चन ये है बेटा कि फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। जब एक्स की वैल्यू इरेशनल है तो ये वाली वैल्यू है, जब एक्स की वैल्यू रेशनल है तो ये वाला है। एक बात और भी है बच्चों, भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैं बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही है कि सर ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ। भाई सीधी सी बात है, कराने को तो मैं सारी चीज़ें करा दूंगा आपको, लेकिन भाई ये जो पेपर है ना ये बहुत महंगा है और इसके ऊपर यूज़ होने वाला पेन भी बहुत महंगा है, इंटरनेट भी सस्ता नहीं रहा है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जो भी बच्चा मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड है या मेरे कंसेप्ट अगर उसकी समझ में आते हैं तो जो भी बुक वो करना चाहता है, पर्टिकुलर एक बुक कम है उससे 1,000 रुपीज़ लूँगा इन एडवांस, 1,000 रुपीज़ पर बुक, या किन्हीं भी 10 टॉपिक्स के 1,000 रुपये पे करना होगा आपको। अदरवाइज़ मैं अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट करना शुरू कर दूंगा या डायरेक्टली जो है पे और रेंट पे दूंगा। आप इस चीज़ को समझो बच्चों, जब आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार, कम से कम कुछ तो मेरे को भी मिलना चाहिए ना यार। ऐसे नहीं होता है यार, मैं तुम्हारे लिए परमानेंट मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और मेरे को फाइंड आउट करना है अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल। ओके, समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया और मैं आपको रीज़न दूंगा मैंने किया क्यों ये। अगर बाय चांस आपको क्लोज इंटरवल 0,1 दे रखा है, मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया जब ये इरेशनल था और फिर मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया जब ये रेशनल था, सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ये स्क्वायर किया क्यों। भाई मेरे को निकालना है अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए मेरे को चाहिए होता है कैपिटल एम आर, ओके, जो कि अपर रीमान सम के लिए यूज़ किया जाता है, और लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए मेरे को चाहिए होता है एल पी एफ अर्थात स्मॉल एम आर। दिस इज़ द पॉइंट। अब यहाँ फंक्शन की 2 वैल्यू दे रखी है, सर मैं ये कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर कैसे कैलकुलेट करूँ। इसको कैलकुलेट करने का तरीका जब ये रेशनल और इरेशनल है वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये जो मेरा पहले वाला था, आपको पता लग जाएगा बेटा जैसे ही मैं क्वेश्चन की तीसरी चौथी लाइन पर जाऊँगा आप खुद समझ जाओगे कि सर ये करना चाह रहे थे। ये जो है मैंने इस संख्या का स्क्वायर किया, ये निकल करके आया, और इसमें से मैंने इसका स्क्वायर करने के बाद घटा दिया। ओके, यानी मैंने क्या किया, जो पहले वाली संख्या है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मैंने ये किया। सवाल पैदा होता है आपने ये क्यों किया, इसके ऊपर से रूट ख़त्म करने के लिए। दूसरी बात, आपने सर एक दूसरे में से क्यों घटाया, बेटा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें से बड़ा ये है या ये है, मेन टारगेट ये है, ताकि जो बड़ा मेरे को मिल जाएगा, अगर ये क्वांटिटी बड़ी होगी तो मेरा एमआर कैपिटल एमआर सेलेक्ट कर लूँगा मैं, ये क्वांटिटी अगर बड़ी होगी तो फिर भी मैं कैपिटल एमआर सेलेक्ट कर लूँगा जो कि मेरा 1 माइनस एक्स या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। समझने की कोशिश करना। तो मैंने वही किया, पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर। जब मैं दोनों को हल करूँगा, हल करने के बाद मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, ये निकला 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और यहाँ से मैंने इसको हल किया, ये निकला 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x आपके सामने है। भाई मेरे ख्याल से 1 से तो 1 कैंसिल, कितना निकल गया भाई 2x माइनस के 2x स्क्वायर। क्लियर, दो मैंने यहाँ से 2x मैंने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा 1 माइनस के एक्स, नो प्रॉब्लम। अब आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी इसकी वैल्यू जो निकल करके आई वो निकली 2 × 1 - x। ओके, अब ये देखना बेटा, ये जो वैल्यू निकली यानी 2x × 1 - x,
आपको जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 0.1। ओके, अब आप गौर करो, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी ये जो इंटरवल है, आपको पता है लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है। मैं लेस देन लेकर के चल रहा हूँ, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 क्यों लेकर के चल रहा हूँ बेटा? दोनों निशान में से एक वक्त में एक ही की के ऊपर कंडीशन वैलिड होती है, ना कि दोनों के ऊपर। मैं कंडीशन इसके ऊपर वैलिड कर रहा हूँ, ओके। या आप ऐसे समझो, मान लिया मेरे को किसी बच्चे से चाय मंगानी है और मैंने दो बच्चों को ये बोला कि बेटा आप या आप चाय लेने जाओ, तो जाएगा तो एक ही ना, दोनों तो एक साथ नहीं जा सकते ना। मैंने बोला कि आप जाओ या आप जाओ। ठीक इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर अगर ये दो निशान होते हैं तो इसमें से एक टाइम में एक वैलिड होता है, चाहे तो ये वैलिड हो जाए या फिर इक्वल वाला वैलिड हो जाए। ओके, अब आप गौर करो, मेरे पास है 2x(1 - kx), मेरा इंटरवल है 0 < x < 1, यानी एक्स की वैल्यू 1 से कम है, 0 से बड़ी है। आप इन वैल्यू को कुछ भी डाल लो, एक्स की 0 से बड़ी और 1 से कम कोई भी वैल्यू डाल लो, ये टोटल का टोटल रिजल्ट पॉजिटिव होगा। कहोगे क्यों? सवाल पैदा ये होता है क्यों, यहाँ मतलब निकलता है कि एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 0.99999 ही होगी। ओके, अगर बाय चांस 2 × 0.999 डालता हूँ मैं और 1 - 0.9999 करता हूँ, तो जाहिर सी बात है जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो कर दें 0, अर्थात पॉजिटिव होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ, पूरे इंटरवल की, अगर एक्स एक्स की वैल्यू 0 डालता हूँ तो 0 हो जाएगा, और अगर एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ तो तब भी 0 हो जाएगा, आपके सामने है। इसीलिए मैंने ओपन इंटरवल लिया, इस क्लोज इंटरवल के अंदर से एक ओपन इंटरवल लिया, उसके ऊपर मैंने चेक किया कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये सवाल पैदा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों चेक किया? दिस इज द पॉइंट। ओके, मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मेरे पास सीधा सीधा निकला कि सर ये पॉजिटिव है। किस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव है? 0 < x < 1। आप इक्वल भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको समझाने के लिए था। अच्छा एक बात बताओ मेरे को भाई, यानी ये इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकला, यानी ये दोनों ग्रेटर देन 0 हुए। जब ये इधर गया, ये इधर जाने के बाद ये कंडीशन निकल करके आई ना, देखो प्लस के 0 हो जाएगा यहाँ से, और अगर मैं इसके ऊपर से दोनों ओर का रूट लूँ तो रूट लेने के बाद इधर तो निकलेगा ये और इधर निकल करके आएगा ये। इधर अंडर दी रूट लगा दिया मैंने, इसको मैंने दोनों साइड का रूट लिया, रूट लेने के बाद इधर तो ये निकला, इधर निकला ये, मतलब क्या निकला? ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी छोटी है। मैंने क्यों किया? अब ये मेरा कैपिटल एम आर हो जाएगा और ये मेरा स्मॉल एम आर हो जाएगा, क्लियर? इसलिए किया। और दूसरी बात ये है, जब आपका इंटरवल 0 और 1 दे रखा है तब आप सिंपली इसी कंसेप्ट का यूज़ करोगे, और आपको रेशनल और इरेशनल का केस दिया हुआ है। अगर ये इंटरवल बढ़ता है तो मैं इस इंटरवल को भी तोड़ सकता हूँ, रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरी बोलती है इंटरवल भी तोड़ा जा सकता है सब इंटरवल्स के अंदर। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, अब कैपिटल एम आर की वैल्यू 1 - x², स्मॉल एम आर की वैल्यू 1 - kx, क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, हमारे पास जो होता है, मेरे को चाहिए है लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल। तो जाहिर सी बात है लोअर रीमान इंटीग्रल जो होगा मेरे पास, लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है कनेक्टेड जो होती है वो स्मॉल एम आर से जुड़ी होती है। ओके, लोअर रीमान इंटीग्रल होता है 0 to 1 fx dx बराबर समीशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, आर बराबर 1 to n। आप इस चीज़ को जानते हो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ दो केस दे रखे हैं। ओके, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया मैंने, मेरे को चाहिए लोअर रीमान इंटीग्रल, यानी LPF इज इक्वल टू ये होगा। अब लोअर के लिए तो मेरे को इन्फिमम चाहिए, इन्फिमम वैल्यू कौन सी है? ये छोटी है ना, 1 - x। मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 to 1, 1 - x 0 to 1 क्यों इंटीग्रेट किया? क्यों? मेरे को इंटरवल दे रखा है 0 to 1, आपके सामने है 0 to 1, इसलिए लिया मैंने। और उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट किया, एक्स निकला x² / 2, ये निकला 1 - 1/2 यानी 1/2। आगे देखता हूँ, अब मेरे को चाहिए है UPF, UPF बोले तो अपर रीमान इंटीग्रल, UPF। आपको पता है कि दोनों वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, मैंने बड़े वाली वैल्यू उठाई है। UPF इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटरवल आपको 0 to 1 दिया हुआ है, अंडर द रूट 1 - x² * dx। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x/2 अंडर द रूट 1 - x² + 1/2 sin inverse x/a, x/a का मतलब x/1, और लिमिट है मेरे पास 0 to 1।
ओके, जब मैं इसके अंदर अपर लिमिट डालूंगा, यहां देखो आप, अपर लिमिट डालूंगा सारा जीरो हो जाएगा आपके सामने है, और जब यहां वन डालूंगा तो ये कितना होगा, यहां साइन इनवर्स वन होगा, ये होगा बेटा जीरो प्लस साइन 1/2 साइन इनवर्स वन माइनस, जैसे ही मैं लोअर लिमिट डालूंगा सारा जीरो, ये होगा मेरे पास 1/2 साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई 2/2, ये हो जाएगा मेरे पास पाई अपॉन 4। क्लियर? अर्थात एक वैल्यू आपके पास 1/2 निकली, एक वैल्यू आपके पास पाई अपॉन 4 निकली। क्लियर है ना? सो दैट जो आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल है वो बराबर नहीं है अपर रीमान इंटीग्रल के, अर्थात ये आपका लोअर 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 रीमान इंटीग्रल निकला, ये आपका अपर रीमान इंटीग्रल निकला, अपर रीमान इंटीग्रल निकला। ओके, दोनों बराबर नहीं है, सो दैट दिस इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, और आर सॉरी एफ डज नॉट बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल 0 1। ओके, आपका डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।